हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 28 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस मिलती रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चे ने भेजा है कि सीएम, पीएम, कैपिटल, करेंसी, ब्रांड एम्बेसडर, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि पिछली 2-3 शिफ्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाने कम हो गए हैं, ठीक है। तो अब इन पे थोड़ा फोकस कम हो गया क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कम हो गए अब, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्वेश्चंस क्या क्या थे, इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो था आपका प्रकाश जावड़ेकर किस पार्टी से आते हैं, तो आपका बीजेपी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2017 का फिल्म फेयर कहाँ हुआ था, ये आपका मुंबई में हुआ था, एक क्वेश्चन ये था। लंदन किस नदी के तट पर है, ये आपका थेम्स नदी के तट पर है, तो ये याद रखिएगा। एक आपका स्मृति ईरानी से कोई क्वेश्चन था, तो ये कपड़ा मंत्री है अभी, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, तो ये शायद पूछा गया होगा। नेक्स्ट आपका दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा नंबर है, तो ये आपका 6 नंबर पे आती है भारत की अर्थव्यवस्था, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट आपका स्नूकर में आपका पद्म विभूषण 2017 का अवार्ड किसको मिला, ये आपका पंकज आडवाणी राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी चीफ कौन है, जनरल बिपिन रावत राइट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा रिपीट हो सकता है। 6000 रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेट महिला कौन है, मिथाली राज, ये आपका कई बार आ चुका है। सूचना मंत्री कौन है, ये आपका रवि शंकर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका तमिलनाडु में शिव मूर्ति का उद्घाटन किसने किया, ये तो आपका पीएम ने किया है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, तो इंडिया और रशिया के बीच में होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक था आपका बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा होता है, तो आपका टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, देखिए क्वेश्चंस बहुत कम मिलने लगे हैं अब, तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर आप मुझे सजेस्ट करिएगा अगर ऐसा सही रहे, ये क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं इन्हीं के टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस के भी, तो इनका मैं ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे आपको डेली मिले क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो मैथ और रीजनिंग है इनकी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है, इसी टाइप के जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आ जाऊँ डेली 10-15, ताकि जिनका एग्जाम बचा हुआ है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अगर ये सही रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर एक यहाँ पे था मिरर इमेज से क्वेश्चन, तो इसमें लिखी यहाँ पे मिरर इमेज पूछी थी, तो देखिए मिरर इमेज हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और मतलब किसी न किसी वर्ड की आपकी पूछी जा रही है मिरर इमेज, तो आप इजीली बना लेंगे, कोई हार्ड नहीं है। देखिए बिल्कुल यही आप बना लेंगे, सबसे पहले ई लिखा है, ई का फेस इस डायरेक्शन में है, यानी कि मिरर ये रखा है, तो मिरर के पास में जो चीज़ें होती है मिरर के पास में रख देते हैं, तो ई बन जाएगा, ठीक है। एल आपका इधर को मुड़ जाएगा क्योंकि ये इधर को ही है। अगर देखिए मिरर अगर ये रखा है और L इधर को लिखा है, तो मिरर के पास कौन सा हिस्सा, ये वाला है ना, तो इधर से भी हम इसको ये इसलिए इधर को लिख देते हैं। I वैसे लिखेंगे, M भी वैसे लिखेंगे, इसको कुछ ये ऐसा बन जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे था एक तो धातु, कांच, बर्तन, तो देखिए बर्तन जो होते हैं वो धातु के भी बन जाते हैं और कांच के भी बन जाते हैं, तो दोनों के दोनों ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि बर्तन दोनों बन सकते हैं कांच के भी और धातु के भी, तो इस तरीके का आपका एक वेन डायग्राम ये बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कथन निष्कर्ष से, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये यहाँ पे कथन था, तो यहाँ पे निष्कर्ष देख लेते हैं। आप कथन तो पढ़ी लिया समझ गए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, मान लीजिए कि क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे निगेटिव तो होना ही नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब इसके लिए हाँ बोला जा रहा है वो तो होगा ही नहीं, तो जैसे पहले में बोला जा रहा है हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है, तो यहाँ पे आप इसको तो कट ही लगा देंगे क्योंकि
यहाँ पे जो बात की गई क्वेश्चन में पूर्ण प्रतिबंध की, तो ये तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में बढ़ रही टेक्नोक्रेटो की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत है। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है, एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत कम मिल पाते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा इसमें क्वेश्चन में, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट क्वेश्चंस अगर इस टाइप का आया होगा तो आपको इसमें पहला गलत था और दूसरा राइट था, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका श्लोक का एक क्वेश्चन, कुछ किताबें कार हैं और सभी किताबें स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ किताबें कार है, तो कार का आपने एक बनाया और फिर कुछ किताबें, यहाँ पे किताबें और कुछ किताबें कार हो जाएगी इस तरीके से, यानी कि कार और किताब का जो सबसे पहला वेन डायग्राम बनेगा तो इस तरीके से बन गया होगा। फिर नेक्स्ट है सभी किताबें स्टार हैं, ठीक है, स्टार्ट है सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी की सभी किताबें स्टार्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भाई, किताबों को पूरा कवर करेंगे तभी तो बनेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है निष्कर्ष में, कुछ कार्य स्टार्ट हैं, तो कुछ किताबें, देखिए किताबें तो आपकी जो सभी की सभी किताबें स्टार्ट हैं, ठीक है, तो कुछ किताबें भी हो जाएगी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोला गया है सभी कार्य स्टार्ट हैं, तो सभी के सभी तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी की तो कंडीशन ही नहीं बताएगी, कुछ की तो हो सकती थी बट सभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्य स्टार्ट कब हो सकती है, सभी की सभी कार्य स्टार्ट तब हो सकती है जब कार के ऊपर को भी आपका स्टार्ट का पूरा एक वेन डायग्राम बन जाए। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला राइट, सेकेंड रॉन्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे देखिए, धुआं प्रदूषण युद्ध, तो देखिए जिस तरीके से धुआं प्रदूषण फैलाता है, यहाँ पे युद्ध का आपका विनाश होगा, ठीक है, और बाकी ऑप्शन देख के पता चल सकता था बट युद्ध का आपका विनाश हो जाएगा, ठीक है। धुआं जैसे प्रदूषण करता है उसी तरीके से युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, ई आई जी के श्लोक का था, को लिखा जाता है ई ए सी वाई, ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से आर वी टी वाई को क्या लिखा जाएगा, तो आपको क्या करना था, देखिए बड़ा ही अजीब सा है इसमें वैसे तो, बट जैसा भी है, देखिए ई को तो ई लिख दिया गया है, फिर आई में से हमने एट माइनस किया तो ए आ गया, और यहाँ पे जी में से फिर माइनस फोर किया तो सी आ गया, और के में प्लस हमने 14 किया तो वाई आ गया। कुछ इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही थी ये, इसी तरीके से हमें इधर करना है, तो आर में से माइनस जीरो करेंगे मतलब आर ही रहेगा, और वी में से आप माइनस एट करेंगे तो एन रहेगा, टी में से आप माइनस एट करेंगे तो पी हो जाएगा, और वाई में से आप प्लस 14 करेंगे तो एम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर एन पी एम राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका देखिए सीरीज का 87, 90, 84, 88, 81, 86, इस तरीके से सीरीज थी। नेक्स्ट आपको बताना था, तो नीचे आपका माइनस थ्री चल रहा है, देखिए ये प्लस नहीं है, ये गलती से हो गया था, ये माइनस थ्री है ये, ठीक है, माइनस थ्री करेंगे तो नेक्स्ट माइनस थ्री करेंगे तो आपका 78 हो जाएगा। ऊपर आपका क्या होगा प्लस, देखिए जैसे अगर इससे नेक्स्ट पूछ ले जाता, मान लीजिए आपका ये भी ना दिया होता, ये पूछ ले जाता, तो तब आपको क्या करना था, यहाँ पे ये माइनस चल रहा है, माइनस टू करते 88 में से तो आपका 86 होता, तो यहाँ पे 86 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ सीरीज के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। थर्ड शिफ्ट में और अच्छे से आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था बोर्ड मास से, बोर्ड मास का क्या क्वेश्चन था, 3 + (52) / 4 + 9 और फिर आपका पूरा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, ये वाला, तो यहाँ 4 और 9 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13, ठीक है। फिर डिवाइड आता है, तो यहाँ पे डिवाइड किसको करेंगे, 52 को, तो 52 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो कितना आएगा 4 बार, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8 और 4 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उससे पहले डिवाइड है ना, तो डिवाइड करना है, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम ये चला जाएगा। तो आपका क्या बचा, इधर तो 3 + बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 × 4 और इधर बचा है 3, तो ये आप कर लेंगे 3 + 16, तो कितना हो जाएगा 19, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ एक ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है भाई। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका एसआई का, एसआई सीआई मतलब दोनों का ही। यहाँ पे दिया गया है कि एसआई अगर 2 साल में आपका 40 है, 2 साल में, ठीक है, और सीआई आपका 40.80 है, तो यहाँ पे टाइम 2 साल दे ही रखा है, रेट बताइए, तो इसको इसका रेट कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि एसआई जो होता है, एसआई 40 है और जो आपका सीआई है वो 40.80 है, यानी कि 80 है,
तो यहाँ पे मुझे ये बताइए जो SI होता है वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मतलब सेम ही रहेगा? यहाँ टू ईयर की बात की गई है, तो 40 में 2 साल का SI कितना रहा होगा? 20-20 रहा होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी 20 रहा होगा, सेकंड ईयर में भी 20 रहा होगा। अब एक चीज़ ये भी पता होगी आपको कि SI और CI फर्स्ट ईयर में सेम रहते हैं, SI और CI फर्स्ट ईयर में सेम रहते हैं, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 रहा होगा, तो नेक्स्ट ईयर में CI कितना होगा? 20.80 ये रहा होगा। पर इतनी चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो मुझे ये बताइए जो ये 8.80 बढ़ के आया है यहाँ पे, तो CI में तो SI में तो सॉरी सिंपल होता है 20-20 होता चला जाएगा, यहाँ पे क्या 20 से बढ़ के 0.80, तो ये 80 क्या है? ये ब्याज पर ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? जो CI होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पे जो 0.80 आया ना ये ब्याज पर ब्याज लग के आया, तो ब्याज किस पे लगा होगा? ये ब्याज लगा होगा आपका 20 पे, तो 20 पे आपका कुछ परसेंटेज ब्याज की निकली और वो कितनी आई? 0.80 यानी कि 0.80 आई है, तो ये आपकी परसेंटेज निकल के आई है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, ये 0.80 किस पे निकला आपका? 20 पे, तो 0.80 अपॉन में 20 लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और मल्टीप्लाई करनी है 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, समझ गए? यहाँ से मैंने इसको पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 20 से 80 कटेगा 4 बार, तो आपका आर कितना आ गया? 4%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ एक बार और समझ लीजिए, ये 0.8 जो बढ़ के आया ना ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ के आया है, तो ये इंटरेस्ट किस पे लगा होगा? ये 20 पे लगा होगा ना, ठीक है, तो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 20 पे आपने x परसेंट निकाला अपॉन में, यानी कि कितना आएगा 0.80 ये आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 0.80 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, ठीक है, और इधर ये कितना हो जाएगा x बराबर इधर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, x बराबर आपका कितना हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, 0.80 में 100 की तो 80 हो जाएगा और नीचे आपका 20 आएगा, तो अभी भी आपका x की वैल्यू यही आएगी 4%, ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना है वो। यहाँ पे एक क्वेश्चन लगातार इस टाइप का भी पूछ जा रहा है, कोई 7200 रुपये की कोई वस्तु थी उसको 34% के लॉस पर बेच दिया जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है 5% का प्रॉफिट कमाने की बात की जाती है कि उसी वस्तु पे अगर आपको 5% का प्रॉफिट कमाना पड़े तो उसको कितने में बेचा जाए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सी बात है, CP हमारी 100% होती है, सेलिंग प्राइस आपने कितने में की है? 34% लॉस में, यानी कि कितने में? 66% में, ठीक है, तो ये आपकी 66% की वैल्यू है, ये जो 7200 रुपये है ना ये लॉस वाली वैल्यू है, 7200 रुपये में बेचने पर 34% का लॉस होता है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है आपकी 66% की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपको 66% की वैल्यू पता है और आपको 5% प्रॉफिट वाली यानी कि 105% वाली वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे 105 लिख दिया मैंने, इसमें 5% का प्रॉफिट इंक्लूड है, देखिए कभी भी अगर लॉस होगा तो आप CP में से यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से घटाएंगे, तो ये जैसे घट के आ गया, अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो इसमें प्लस करेंगे, तो ये प्लस करके हमें 105% निकालना है, तो 7200 को डिवाइड करेंगे 66 से और गुणा कर देंगे 105 से, तो आपका कितना आ जाएगा 11454 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका ये भी समझ लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वैसे ये आपका शायद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे था कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपका 150 रुपये है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये ध्यान रखिएगा कितना 3 वर्ष का डिफरेंस आया इनके बीच में और ये 150 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है अंतर जो है वो कितना है 150 है, तो 3 वर्ष का आपको 150 इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे आपको 5% ये भी पता है, तो धन ज्ञात करना है यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको निकालना है, तो SI बराबर P(R)(T)/100 करना है, तो यहाँ पे SI आप रखेंगे कितना 150, यहाँ पे करेंगे आप यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है ना, तो P(P)(R)(T)/100 वैसे रखेंगे क्योंकि ये चीज़ हम तो हमें निकालनी है, 5% आपका हो जाएगा रेट और यहाँ पे 3 ईयर का इंटरेस्ट 150 और अपॉन में कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा 20 टाइम और इस तरीके से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 3000 और इधर कितना बचेगा 3P, तो आप 3000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, अगर पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे से आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, हम बात कर लेते हैं अब आगे मैथ के कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, मतलब टॉपिक की।
तो टॉपिक ये है कि आपकी SICI से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और पाइप एंड सिस्टम से अच्छे खासे दो तीन से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके देखने को, और पाइप एंड सिस्टम के पता नहीं हार्ड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बट कोई बच्चा भेजता नहीं है क्वेश्चन। तो अगर आपको याद हो या कुछ भी पाइप एंड सिस्टम के बारे में पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बोर्ड मार्क्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस किसी ने बताया नहीं, तो इसमें बोलना मुश्किल है कि सेकंड शिफ्ट में आया था क्या, तो एक बार मुझे बताइएगा अगर आपकी शिफ्ट में आया था। रेशो से आपके क्वेश्चन थे, परसेंटेज से भी क्वेश्चन थे, एज से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन होगा शायद। HCFLCM से भी यार किसी ने बताया नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में तो आया था शायद, सेकंड शिफ्ट में भी नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और हम मिक्सचर एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वो मैं आपको कराऊंगा शाम के टाइम, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग के कुछ रटे गिटे टॉपिक हैं आपके, स्टेटमेंट, स्लोग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सीरीज, एनलोगी। डायरेक्शन से और ब्लड रिलेशन से आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके, अभी तक जो नहीं देखने को मिल रहे थे, दो नए पॉइंट हैं आपके, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। पिछली कई शिफ्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक CBT टेस्ट नहीं परचेज किया ना, तो मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, नीचे लिंक है, 149 रुपीज़ का प्राइस है इसका, बट आपको 149 रुपीज़ में नहीं परचेज करना है, 20% डिस्काउंट पे करना है, ठीक है। 20% डिस्काउंट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसी में फ़ायदा है हमारा। यहाँ पे आपको इसको ये कोड भरना है, उसमें ये कोड भरने के बाद में आपको 20% कट होके मिलेगा, यानी कि 120 रुपये का टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल कहीं पे भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये हेल्पफुल है। और दूसरी बात यह कि इसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है, तो आप इजीली उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए स्पेशल ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी वाले परचेज करें, कोई और बच्चा ना करें। और यहाँ पे देखिए PDF अगर आपको किसी भी वीडियो की लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद यहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड शिफ्ट में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।